पार्ट टू वो कट गया था, इसलिए अब दोबारा से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट था। क्रॉस कट सॉ इज यूज फॉर, जो ये क्रॉस कट सॉ इज यूज फॉर, ये करते हैं हम कटिंग हार्ड स्टोन्स के लिए। हार्ड स्टोन के लिए क्रॉस कट सॉ यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। सैप वुड कंसिस्ट ऑफ, सैप वुड जो होती है एक पदार्थ होता है सैप वुड, जो कि पाया जाता है पोर्शन ऑफ टिम्बर बिटवीन हार्ड वुड एंड कैम्बियम लेयर के बीच में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, सैप वुड। 26। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज ईल्ड हार्ड वुड, देवदार, शीर, शीशम, पाइन। शीशम स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, हार्ड वुड होता है, तो ऑप्शन नंबर सी। 27। द रेडियल स्प्लिट्स विच आर वाइडर ऑन दी आउटसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द लॉग एंड नैरो टूवर्ड्स द पिथ, जो नैरो में मतलब एक जो क्रैक्स आ जाता है टूवर्ड्स द पिथ, सेंटर की तरफ नैरो होता है और बाहर की तरफ वाइडर होता है, तो वो होता है स्टार शेक, और अपोजिट हो जाएगा तो हार्ट शेक होगा, जो हार्ट की तरफ मतलब पिथ की तरफ ब्रॉड होगा और बाहर की तरफ नैरो होगा। क्वेश्चन नंबर 28। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ ट्रीज यील्ड सॉफ्टवुड, सॉफ्टवुड कौन सी होगी? तो ऑप्शन नंबर डी, चीर एंड देवदार। चीर एंड देवदार इज द सॉफ्टवुड, शीशम हार्डवुड में आता है, साल भी और टीक भी। विच ऑफ द फॉलोइंग टिम्बर इज सूटेबल फॉर मेकिंग स्पोर्ट्स गुड्स, स्पोर्ट्स गुड बैट बल, बैट बनाने के लिए मलबरी का इस्तेमाल किया जाता है, तो 29 का ए इज द राइट आंसर। शीशम इज यूज फॉर डेकोरेटिव पर डेकोरेटिव वुडवर्क, शीशम कैन बी पॉलिश टू ए एन एक्सीलेंट फिनिश, तो दोनों ही ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31। द डिजीज ऑफ ड्राई रोट इन टिम्बर इज कॉज्ड बाय, ड्राई रोट जो ड्राई रोट वगैरह ये होते हैं, ये लैक ऑफ वेंटिलेशन मतलब ऑक्सीजन की कमी के कारण हो जाते हैं ड्राई रोट, तभी तो सूखा पड़ जाता है, ड्राई रोट मतलब सूखा, लैक ऑफ वेंटिलेशन, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32। प्लाईवुड हैज़ द एडवांटेजेस ऑफ, ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इन लॉन्गर डायरेक्शन, ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इन शॉर्टर डायरेक्शन, सेम टेंसाइल स्ट्रेंथ इन ऑल डायरेक्शन, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्लाईवुड की एडवांटेज यही होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ सेम होती है हर दिशा में। क्वेश्चन नंबर 33। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन द स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम, किस दिशा में टिम्बर की स्ट्रेंथ जो मैक्सिमम होगी? ऑप्शन नंबर ए पैरेलल 45 टू ग्रेन्स, परपेंडिकुलर टू ग्रेन्स, ऐसा जब प्लेन के जो पैरेलल रहेगा तो उसी में हमारी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा मिलेगी, अगर हमारा प्लाईवुड होता तो परपेंडिकुलर टू ग्रेन्स रखे जाते हैं, पर इसमें हमें स्ट्रेंथ देखनी है टिम्बर की, तो पैरेलल टू ग्रेन जितना होगा उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34। द मॉइस्चर कंटेंट इन वेल सीजन टिम्बर इज 10 to 12%, 34 का बी इज द राइट आंसर। द ट्रंक ऑफ ट्री लेफ्ट आफ्टर कटिंग ऑल द ब्रांचेस, सारी ब्रांचेस टहनियाँ काटने के बाद जो हमें ट्रंक मिलता है उसको क्या बोलते हैं? उसको लोग बोलते हैं। बैटन तो फट्टे होते हैं, वो तो होगा नहीं, प्लैंक भी छोटे फट्टे, तो ए इज द राइट आंसर लोग। द एज ऑफ द ट्री कैन बी नोन बाय द एग्जामिनिंग ऑफ एनुअल रिंग, जो चारों गोल गोल एनुअल रिंग्स होते हैं उससे एज बता सकते हैं, एक सर्कल 10 ईयर्स को शो करता है। प्लाईवुड इज मेड बाय बॉन्डिंग टूगेदर थिन लेयर ऑफ वुड इन सच ए वे दैट द एंगल बिटवीन द ग्रेन ऑफ एनी लेयर टू ग्रेन ऑफ एडजेसेंट लेयर इज,
इस क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 90। प्लाईवुड में हम परपेंडिकुलर लगाते हैं ना इसको, इसलिए स्ट्रेंथ हमें ज़्यादा मिलती है। डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38। द प्लाईवुड हैड गुड स्ट्रेंथ अलोंग पैनल ओनली। क्वेश्चन ऑप्शन बी कैन बी स्प्लिट इन प्लेन ऑफ द पैनल। ऑप्शन सी हैज़ ग्रेटर इम्पैक्ट रेसिस्टेंस ऑफ ब्लो देन ऑर्डनरी वुड। ऑप्शन डी कैन नॉट बी बेंट मोर इजिली देन ऑर्डनरी वुड ऑफ सेम थिकनेस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि इसकी है ग्रेटर इम्पैक्ट रेसिस्टेंस। अगर हम इम्पैक्ट लोड डालेंगे बार बार, एकदम सडनली इम्पैक्ट मारें करेंगे, तो इसका गुड रेसिस्टेंस होती है ऑर्डनरी वुड के मुकाबले प्लाईवुड की, क्योंकि कई सारी परतों से बनाया जाता है प्लाईवुड। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 39। इन प्रैक्टिकल लिमिट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट अचीव इन एयर ड्राइंग ऑफ टिम्बर इज़। 12%, तो ऑप्शन नंबर बी 15% अप्रोक्स ले लेते हैं। फर्स्ट क्लास टिम्बर हैज़ एन एवरेज लाइफ ऑफ मोर देन 10 ईयर्स। 40 का डी इज़ द राइट आंसर। फर्स्ट क्लास ब्रिक, यहाँ से ब्रिक के क्वेश्चन शुरू हुए। फर्स्ट क्लास ब्रिक व्हेन इमर्ज्ड इन कोल्ड वाटर फॉर 24 आवर्स शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन 20%। 20% ये हो गया, 22% सेकेंड क्लास और 25% थर्ड क्लास। क्वेश्चन नंबर 42। क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए तो हो जाएगा 10.5, सेकेंड क्लास के लिए 7 और थर्ड क्लास के लिए 3.5, और एक होता है गुड, फॉर गुड ब्रिक के लिए 5.5 होती है। क्वेश्चन नंबर 43। द मेन फंक्शन ऑफ एलुमिना इन ब्रिक अर्थ इज। तो ब्रिक का जो काम होता है इसमें, ये अच्छा क्वेश्चन है। मेन फंक्शन जो होता है ब्रिक का, टू इम्पार्ट प्लास्टिसिटी। एलुमिना जो है प्लास्टिसिटी बनी रहे, शेप में बना रहे, प्लास्टिक रहे हमारी ब्रिक, इसलिए इसका यूज़ करते हैं। इसकी परसेंटेज होती है 20 से 30%। क्वेश्चन नंबर 44। द परसेंटेज ऑफ एलुमिना इन ए गुड ब्रिक इज़ 20 से 30%। बी इज़ द राइट आंसर। एक्सेस ऑफ एलुमिना इन ब्रिक अर्थ मेक्स द ब्रिक। एक तो फंक्शन हमने देख लिया, प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करता है। दूसरा आता है जब ये ज़्यादा हो जाता है तब क्या करता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं इसके, इम्परमेबल, ब्रिटल एंड वीक, टू लॉस कोहेशन, टू क्रैक एंड वार्पिंग ऑन ड्राइंग। सूखने के बाद जो है ये क्रैक और वार्पिंग, सिकुड़ना शुरू कर देता है ज़्यादा हो जाए तो ये 45 का हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर, टू क्रैक एंड वार्प। क्वेश्चन नंबर 46। द नॉमिनल साइज ऑफ द मॉड्यूलर ब्रिक इज। तो नॉमिनल साइज जो होती है 46 का, 20 × 10 × 10 या 200 mm, 100 mm, 100 mm। स्टैंडर्ड पूछता तो 19 × 9 × 9। नॉमिनल में और स्टैंडर्ड में कंफ्यूज नहीं होना। नॉमिनल 20 10, नॉमिनल को हम मॉडुलर ब्रिक भी बोल, मॉडुलर नॉमिनल, मॉडुलर जो हमारा मसाला लगाने के बाद जो साइज बढ़ जाता है ना पूरी की, नॉमिनल साइज। एक तो एन से शुरू हो रहा है, एक एस से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 47। परसेंटेज ऑफ सिलिका इन ए गुड ब्रिक इज। सिलिका सबसे ज़्यादा होता है 50 से 60%। अगर सिलिका की मात्रा ज़्यादा हो जाए तब क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 48। एक्सेस ऑफ सिलिका इन ब्रिक अर्थ रिजल्ट इन।
क्रैकिंग एंड वार्पिंग ऑफ ब्रिक्स, लॉस ऑफ कोहेशन, इन्हेंसिंग द इम्प्रेमेबिलिटी ऑफ ब्रिक, नन ऑफ द अबव। इसके कारण जो है कोहेशन टूटने लगता है ज़्यादा हो जाए तो सिलिका के साथ, लॉस ऑफ कोहेशन। अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट ऑफ द ब्रिक, क्वेश्चन नंबर 49, इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रिक अर्थ इनेबल द ब्रिक टू रिटेन इट्स शेप, अपने शेप में बनाने के लिए किस इंग्रेडिएंट का यूज़ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। अच्छा क्वेश्चन है, 49 का बी, सिलिका इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर गिव ए करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द यूजफुल एंड हार्मफुल कॉन्स्टेंट रेस्पेक्टिवली ऑफ ए गुड ब्रिक। एक तो एल्कली होता ही होता है, तो एल्कली के साथ ये देखना है हमारा आयरन या मैग्नीशियम कौन सा होगा, या फिर सिलिका भी दे रखा है। तो अगर ज़्यादा हो जाएगा तो इसमें सिलिका भी हार्मफुल, क्योंकि आयरन का इस्तेमाल हम सिर्फ उसको रेडिश कलर देने के लिए होता है, मैग्नीशियम लाइम के लिए करते हैं साउंडनेस के लिए। तो ज़्यादा मात्रा अगर सिलिका और एल्कलाइन बढ़ेगा तो दिक्कत कर देगा, हार्मफुल कॉन्स्टेंट बी इज़ द राइट आंसर। लग रहा होगा एल्कली और मैग्नीशिया, पर इसका आंसर बी सिलिका और एल्कली ही है। अगर पूछ ले कि ब्रिक डीके होगी तो कौन सा जिम्मेदार होगा, तो वो होता है मैग्नीशिया। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले नीडिंग, 51 का ए, एडवांटेज ऑफ क्लैंप कंपेयर टू ए क्लीन फॉर बर्निंग ब्रिक इज दैट इट टेक्स लेस टाइम ऑफ बर्निंग, इट गिव्स मोर आउटपुट ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक, इट हैज़ लेस इनिशियल कॉस्ट, इट इज़ सुइटेबल व्हेन द ब्रिक आर रिक्वायर्ड इन लार्ज नंबर। तो इसकी क्या होगा, इट हैज़ लेस इनिशियल कॉस्ट क्लैंप कंपेयर टू क्लीन, तो क्लैंप को लगाने में लेस इनिशियल कॉस्ट आती है। क्वेश्चन नंबर 53, द इंटरनल साइज ऑफ द मोल्ड यूज इन ब्रिक प्रिपरेशन इज, इक्वल तो होता नहीं है, स्मॉलर भी नहीं होता, ग्रेटर देन द साइज ऑफ द फुली बर्न ब्रिक, तो सी इज द राइट आंसर। पग मिल यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्ले, ड्राइंग बर्निंग कट के मोल्डिंग के लिए होता नहीं है। विच ऑफ द, क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक आर यूज फॉर लाइनिंग ऑफ फर्नेस, फर्नेस भट्टियों के लिए, भट्टी के लिए कौन सी ब्रिक का इस्तेमाल कर जाता है, रिफ्रैक्टिव ब्रिक का, 55 का सी इज द राइट आंसर। द फ्रॉग ऑफ द ब्रिक इन द ब्रिक मैसनरी, टॉप ऑफ फेस पे रखा जाता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 57, द नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड इन 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में हम 500 ब्रिक तक रख सक लगाते हैं, 57 का सी इज द राइट आंसर। 58, ग्लेजिंग इज यूज टू मेक अर्थनवेयर इम्परवियस होना चाहिए, ग्लेजिंग इसलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, क्विक लाइम इज, यह सही क्वेश्चन है, क्विक लाइम क्या है, क्विक लाइम से कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ से लाइम के क्वेश्चन शुरू होते हैं, तो 59 का बी इज द राइट आंसर, ये ध्यान रखना, क्विक लाइम इज अ कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। क्विक लाइम इज स्लो इन सेटिंग, रैपिड इन स्लैकिंग, गुड इन स्ट्रेंथ। स्लो इन सेटिंग तो होता ही है और रैपिड इन स्लैकिंग, 60 का सी रैपिड इन स्लैकिंग। स्ट्रेंथ तो इसके ऐसे कुछ नहीं होती, तो सी तो पहले ही काट दो, जब थर्ड काट गया तो पहला दूसरा भी नहीं है एकदम से, तो सी इज द राइट आंसर। उसमें प्योर लाइम टेक्स लॉन्ग टाइम टू डेवलप एडिक्वेट स्ट्रेंथ, प्योर लाइम हैज लो हार्डनिंग कैरेक्टरिस्टिक, दोनों ही सही हैं।
क्विकलाइम सी, अगर हम वैसे क्विकलाइम CaO की को मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो CaOH का होल ट्वाइस बनता है, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। आगे आगे हाइड्रोक्लाइम इज ऑब्टेन बाय हाइड्रोलिक लाइम, जलीय चूना। वो कैसे प्राप्त होता है? बर्निंग ऑफ लाइम स्टोन, बर्निंग ऑफ कंकर, एडिंग वाटर टू क्विक लाइम या कैल्सिनेशन प्योर क्ले। तो इसका जो होगा वो होगा एडिंग वाटर टू क्विक लाइम। ये शायद ऑप्शन गलत पीछे दे रखा हो, मतलब क्विक लाइम में CaOH का होल ट्वाइस है ना, तो हाइड्रोलिक लाइम है ये, तो ये हमें क्विक लाइम में पानी मिलाने से ही प्राप्त होता है। द मेन कॉन्स्टेंट विच इम्पार्ट हाइड्रोलिसिटी टू हाइड्रोलिक लाइम, हाइड्रोलिसिटी टू हाइड्रोलिक लाइम मिलती है क्ले से। हाइड्रोलिसिटी मतलब वाटर में, अंडर वाटर जो करते हैं, अंडर वाटर सेट करने के लिए, क्ले की परमेबिलिटी कम होती है तो पानी स्टोर हो जाता है, मतलब रुक जाता है ओवर कंपेयर टू अदर्स टाइप ऑफ सॉइल। क्वेश्चन नंबर 64, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाइड्रिक लाइम इज सुइटेबल फॉर वाइट वॉशिंग। पहला ही गलत है, फैट लाइम इज सुइटेबल फॉर वाइट वॉशिंग, ये सही है। वाइट लाइम को हम वाइट वॉशिंग, वाइट सीमेंट, वाइट वॉशिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रिक लाइम इज सुइटेबल फॉर मेकिंग मोटार। थर्ड, हाइड्रिक लाइम इज सुटेबल फॉर मेकिंग मोटर, ठीक है। फैट लाइम इज सुटेबल फॉर मेकिंग मोटर, नहीं, मोटर बनाने के लिए हम हाइड्रिक लाइम का ही इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, सेकंड एंड थर्ड, फैट लाइम इज सुटेबल फॉर वाइट वॉशिंग और हाइड्रिक लाइम इज सुटेबल फॉर मेकिंग मोटर। हाइड्रिक लाइम मोटर बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 65, द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, मेन इंग्रेडिएंट का क्या होता है? लाइम और सिलिका। सीमेंट के यहाँ से शुरू हो, सिलिका और लाइम, परसेंटेज इनकी ही ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 66, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सीमेंट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट, अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट, ट्राई कैल्शियम एलुमिनेट, इसमें आंसर दे रखा है, और टेट्रा कैल्शियम एलुमिनो फेराइट इज रेस्पॉन्स फॉर अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज के लिए ट्राई कैल्शियम एलुमिनेट, क्वेश्चन आएगा भी नहीं है। 67, डी चैटर डिवाइस साउंडनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, डी चैटर फ्लास्क होता है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए करते हैं। 68, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सीमेंट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग, इनिशियल सेटिंग के लिए C3A ट्राइकैल्शियम एलुमिनेट, सी इज द राइट आंसर। द इनिशियल सेटिंग टाइम फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 30 मिनट्स है, शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट्स, ये लाइन याद रखना, नॉट लेस देन, 30 मिनट से कम ना हो। और अगला क्वेश्चन है 70, द मैक्सिमम फाइनल सेटिंग टाइम फॉर द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज ऑप्शन नंबर डी 10 आवर्स। 71, फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट द साइज ऑफ द क्यूब इज, तो क्यूब इज 70.6 mm, तो बी इज द राइट आंसर, 71 हो गया। 72, द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज अबाउट, इज 27% के आसपास, तो 30% ले लेते हैं। नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज अबाउट 30%। अर्ली अटेनमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज मेनली ड्यू टू, स्ट्रेंथ के लिए पूछा C3S, तो ट्राई, अरे हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा, अर्ली अटेनमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज मेनली ड्यू टू,
फाइन ग्राइंडिंग से होगा, ये जो ऑप्शन बी दे रखा है C3S दे के इन्होंने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया। अर्ली अटेनमेंट कैसे प्राप्त होगी, जितना फाइन होगा उसका सरफेस एरिया ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इसलिए हमें स्ट्रेंथ जल्दी मिल जाती है हमें, तो फाइन ग्राइंडिंग इज द मेन प्रोसेस। मतलब अगर हम इसका इस्तेमाल भी ना करें C3A का, अगर फाइन कर दें पार्टिकल को तब भी हमें मिल जाती, तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्होंने ये माना है। सेंट फॉर स्टोरेज द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट डिक्रीज हो जाती है, ए इज द राइट आंसर। 75 द अकॉर्डिंग टू आई स्पेसिफिकेशन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट आफ्टर 3 डेज शुड नॉट बी लेस देन, ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट 3 डेज शुड नॉट बी लेस देन कितनी होगी, 28 दिन में 33 मेगापास्कल होती है, 7 डेज में 22% 22 मेगापास्कल हो जाती है, 2/3 हो जाती है ना, और 3 डेज में लगभग 50% कम हो जाती है, तो 16 मेगापास्कल हो जाती है। तो इसने पूछी कितनी, 3 दिन पे, तो 50% तो लगभग 16 के आसपास यही आ रहा है, 33 का आधा ये इसके आसपास ही रहेगा 16। सात दिन में 2/3 कम हो जाती है, ध्यान रखना 22 मेगापास्कल। एडिशन ऑफ पोजोलोना टू ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट इंक्रीज, पोजोलोना मिलाने पर क्या होता है, ब्लीडिंग श्रिंकेज परमेबिलिटी हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो ब्लीडिंग और श्रिंकेज के चांसेस रहते हैं जितना महीन होगा, परमेबिलिटी और हीट ऑफ हाइड्रेशन हटा दो, श्रिंकेज ज़्यादा हो जाती है। जिप्सम कंसिस्ट ऑफ, जिप्सम जो बनता है वो CaSO4 और H2O से बनता है, ये उसका फॉर्मूला भी यही होता है, CaSO4 प्लस 2H2O। एक POP जो होता है उसे भी याद रखना, 2CaSO4H2O। 78 फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट द सीमेंट मोर्टार इज मेड बाय मिक्सिंग सीमेंट एंड स्टैंडर्ड सैंड इज, इसका रेशो क्या क्या लेते हैं, 1:3। 78 का बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 द स्लंप रिकमेंडेड फॉर मास कंक्रीटिंग 25 mm टू 50 mm ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 विच विद इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट द बल्किंग ऑफ सैंड, विद इंक्रीज मॉइस्चर कंटेंट बढ़ने पर बल्किंग ऑफ सैंड क्या होगा, फर्स्ट इंक्रीज टू सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू देन डिक्रीज, तो 80 का सी। विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज सूटेबल फॉर यूज इन मैसिव कंक्रीट स्ट्रक्चर सच एज लार्ज डैम, तो लो हीट सीमेंट इज यूज्ड। तो लो हीट सीमेंट में ऐसा क्या होता है, तो C2S की मात्रा बढ़ा देते हैं और C3S की मात्रा घटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 प्रॉपर अमाउंट ऑफ एंट्रेंड एयर इन कॉन्क्रीट रिजल्ट इन, एयर एंट्रन बढ़ा देते हैं, बेटर वर्केबिलिटी तो होती है, बेटर रेजिस्टेंस ऑफ फ्रीजिंग एंड थॉइंग भी हो जाता है, तो पहला और दूसरा भी ठीक है लेस, तो एयर और फर्स्ट एंड सेकंड, तो ऑप्शन नंबर ए। द मोस्ट कॉमन एडमिक्सचर विच इज यूज टू एक्सलेट द इनिशियल सेट ऑफ कॉन्क्रीट इज, मोस्ट कॉमन एडमिक्सचर विच इज़ यूज टू एक्सलेट द इनिशियल सेटिंग, कैल्शियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 84 द मैक्सिमम क्वान्टिटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड यूज एज एन एक्सीटर इन सीमेंट इन परसेंटेज बाय वेट ऑफ द सीमेंट इज, तो इसका क्या करेंगे, मैक्सिमम क्वान्टिटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड यूज एन एक्सीटर इन सीमेंट इन परसेंटेज बाय वेट ऑफ द सीमेंट इज, तो 50 × 2/100 2% लेते हैं तो 1 kg आ जाएगा, वेट ऑफ सीमेंट 50, 2% लिया तो 1 kg, 1 kg 50 kg में 1 kg, 50 kg में 1 kg, वो 50 kg मतलब एक सीमेंट के लिए, एक सीमेंट कट्टे के लिए 1 kg,
हंड्रेड के लिए दो, 84 का बी इज द राइट आंसर। टू द बेसिक पर्पस ऑफ रिटार्डर इन कॉन्क्रीट इज, बेसिक रिटार्डर करने के, रिटार्डर जो रिटार्डर जिप्सम होता है वो किस लिए इस्तेमाल करते हैं, टू इंक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट पेस्ट इन कॉन्क्रीट, नहीं टू डिक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम, टू इंक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए तो रिटार्डर का इस्तेमाल किया जाता है, 85 का ए। तीसरा क्या था, टू रेंडर द कॉन्क्रीट मोर वाटर, टू इम्प्रूव द वर्केबिलिटी, नहीं इनिशियल सेटिंग टाइम को थोड़ा बढ़ा दें, जैसे जो 5 मिनट में हो रही है वो 10 मिनट में हो। 86 विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट कंटेन मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S, तो लो हीट सीमेंट में ही हम C2S की वैल्यू ज़्यादा करते हैं, मास कॉन्क्रीटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं ना। विच ऑफ द फॉलोइंग हो गया, द मोस्ट कॉमनली यूज रिटार्डर इन सीमेंट इज, कॉमनली यूज रिटार्डर जिप्सम, ए इज द राइट आंसर। थ्री बेसिक रॉ मेटेरियल विच आर नीडेड इन लार्ज क्वान्टिटी फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टील आर, ये आयरन के हैं क्वेश्चन, स्टील के, आयरन और कोल और लाइम स्टोन बेसिक रॉ मेटेरियल है, आयरन और कोल और लाइम स्टोन, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, कंपेयर टू माइल्ड स्टील कास्ट आयरन हैज, कास्ट आयरन में क्या होता है कंपेयर टू माइल्ड स्टील, एक तो कास्ट आयरन में क्या कार्बन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, माइल्ड स्टील एक तरह से डक्टाइल, कास्ट आयरन एक ब्रिटल है, तो 89 का डी। पहला तो ऑप्शन है हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, बिल्कुल कार्बन में हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं, ये तो नहीं, टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती, तो ये ब्रिटल है ना तो टेंसाइल लो तो एकदम टूट जाएगा, लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं, तीसरा भी गलत, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये ठीक है, तो पहला और तीसरा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, जैसे इस कॉन्क्रीट है हमारा, कॉन्क्रीट के ब्रिटल मटेरियल है जो कि लेता है कंप्रेसिव लोड आता है, टेंसिल नहीं होती इसकी, टेंसिल नेग्लिजिबल होती है इसलिए रेनफोर्समेंट डाला जाता है, तो ब्रिटल मटेरियल हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लेते हैं और लो टेंसिल स्ट्रेंथ होती है उनकी, इस तरह से ही है पहला और तीसरा, डी इज द राइट आंसर। 90, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेडियंट एक्सर्ट मैक्सिमम इन्फ्लुएंस ऑन प्रॉपर्टी ऑफ स्टील, तो कार्बन ही डालता है, बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द आयरन, आयरन की प्योरेस्ट फॉर्म रोट आयरन, लेस देन 15%, 0.15% होती है इसमें। द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर माइल्ड स्टील इज, ये अच्छा क्वेश्चन है कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है माइल्ड स्टील की, तो इसकी होती है 420 न्यूटन पर mm² अल्टीमेट माइल्ड स्टील, परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट इन माइल्ड स्टील, ये भी सही क्वेश्चन है, माइल्ड स्टील की परसेंटेज कितनी होती है, लेस देन 0.25%, लेस देन 2.5% जो होती है परसेंटेज माइल्ड स्टील में इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेसेज इज यूज फॉर द आइडेंटिफाई द क्वालिटी ऑफ द स्ट्रक्चर स्टील, क्वालिटी के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं वो यील्ड स्ट्रेस होती है, 94 का बी इज द राइट आंसर। द रेशो ऑफ द थिकनेस ऑफ द वेब टू दैट ऑफ द फ्लेंज ऑफ स्टील रोल्ड स्ट्रक्चरल बीम एंड चैनल इज, द चैनल इज लेस देन 1, रेशो ऑफ थिकनेस ऑफ द वेब लेस देन होती है फ्लेंज से, इसलिए पेंट विच वाइट लेड बेस आर सूटेबल फॉर, वाइट लेड वुड के लिए, रेड लेड आयरन के लिए, तो ए इज द राइट आंसर। पेंट विथ वाइट लेड बेस आर नॉट रिकमेंडेड फॉर पेंटिंग ऑफ द आयरन, ठीक है, आयरन पेंट विच वाइट लेड बेस डू नॉट चेक रस्टिंग ऑफ द आयरन, ये भी ठीक है,
97 का ए इज द राइट आंसर। 98 द अमाउंट ऑफ वाटर यूज इन 1 kg ऑफ डिस्टेंपर इज, 1 kg डिस्टेंपर के लिए कितनी इस्तेमाल करते हैं, 0.4 लीटर। क्वेश्चन नंबर 99, द व्हीकल यूज इन द केस ऑफ द इनेमल पेंट इज यूजुअली, इनेमल पेंट के लिए जैसा ही क्वेश्चन है, व्हीकल यूज फॉर आया हुआ भी है SSCJEE में भी। 99 का वार्निश लिंसेड ऑयल, तो हमारा वो होता है व्हीकल जो पेंट में इस्तेमाल करते हैं, इनेमल पेंट में जो व्हीकल इस्तेमाल करते हैं वो वार्निश होता है, लिंसेड ऑयल, टंग ऑयल, नट ऑयल ये चीज इस्तेमाल करते हैं। टर्पेंटाइन ऑयल इज रिकमेंडेड एज थिनर फॉर इंडोर पेंटिंग, टर्पेंटाइन ऑयल इज कोस्टर देन थिनर, ठीक है। कोस्टर देन थिनर ये दोनों है तो ठीक, पर एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। नॉर्मल टर्पेंटाइन ऑयल इज रिकमेंडेड एज थिनर, ये कॉस्टली होता है तो इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, तो इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द रियल वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 101, इन ब्रिक मैसनरी द बॉन्ड प्रोड्यूस बाय लेइंग अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रक्चर इन ईच कोर्स इज नोन एज, ये अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। द ब्रिक मैसनरी द बॉन्ड प्रोड्यूस बाय द लेयर लेइंग अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रक्चर इन ईच कोर्स, प्रत्येक ईच कोर्स में इस्तेमाल कर रहे हैं, बी इज द राइट आंसर। डबल फ्लेमिश बॉन्ड हम इस्तेमाल करते हैं, एक ईच कोर्स में हम लगा रहे हैं मतलब हेडर स्ट्रक्चर, ये तो है स्ट्रक्चर। ये तो स्ट्रक्चर हो जाएगी, ये हेडर हो जाएगी, फिर स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं डबल फ्लेमिश बॉन्ड। अगर वो आएगा क्वेश्चन आ गया, चलो द स्ट्रक्चर बॉन्ड इन ब्रिक मैसनरी कैन बी यूज ओनली व्हेन द थिकनेस ऑफ द वॉल इज, स्ट्रक्चर बॉन्ड इन ब्रिक मैसनरी कैन बी यूज ओनली व्हेन द थिकनेस ऑफ वॉल इज, स्ट्रक्चर बॉन्ड जब जो बनाते हैं हम उसकी जो थिकनेस कितनी होती है वो होती है 90 mm, सिर्फ उसकी जो चौड़ाई होती है एक ब्रिक की जितनी चौड़ाई मानते हैं 90 mm, लेंथ तो 190 हो गई, चौड़ाई होगी ऊपर से देखेंगे थिकनेस तो 90 mm दिखेगी, तो स्ट्रक्चर की सिर्फ यही होती है। द प्रेशर एक्टिंग ऑन द स्टोन इन स्टोन मैसनरी कंस्ट्रक्शन शुड बी, ये सही क्वेश्चन है, अलोंग डायरेक्शन और बेडिंग प्लेन, अलोंग 45 degree, एट 60 तो मतलब ही नहीं, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द बेडिंग प्लेन, स्टोन का तो इस परपेंडिकुलर रखते हैं। 104, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज फॉर हर्टिंग द हर्टिंग ऑफ थिकर वॉल, हर्टिंग जो होती है हेडर में यूज होता है, हेडर में हर्टिंग जो साइड में कोने में दे देते हैं हेडर का इस्तेमाल करके। क्विन क्लोजर हाफ लेंथ हाफ ब्रेथ, ब्रिक लेड विद लेंथ पैरेलल टू द फेस ऑफ डायरेक्शन, ये तो नहीं, ब्रिक लेड विद ब्रेथ पैरेलल टू द फेस ऑफ डायरेक्शन ऑफ द वॉल, ब्रिक ऑप्शन सी, ब्रिक हैविंग द सेम लेंथ एंड डेप्थ एज द अदर ब्रिक बट हाफ द ब्रेथ, डी ब्रिक विथ हाफ द विड्थ एट वन एंड एंड फुल विड्थ एट द अदर एंड, ये तो नहीं है क्योंकि फुल नहीं होता ना, हाफ हाफ होता है, ब्रिक हैविंग द सेम लेंथ एंड डेप्थ एज द अदर ब्रिक बट हाफ द ब्रेथ, ठीक है।
सी इज द राइट आंसर. मिनिमम थिकनेस ऑफ द वॉल वेयर सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड कैन बी यूज. सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड कहाँ यूज करते हैं? सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड होता है, कॉम्बिनेशन होता है फ्लेमिश, फ्लेमिश तो आगे लगाते हैं और इंग्लिश बॉन्ड को पीछे लगाते हैं, तो इसलिए ही इसकी थिकनेस जो हो जाती है वो डेढ़ हो जाती है, 1.5 ब्रिक थिकनेस. मतलब फ्रंट में हम फ्लेमिश की तरह इस्तेमाल करेंगे फ्लेमिश, फ्लेमिश बॉन्ड, ठीक है, और बैक में इंग्लिश बॉन्ड. इंग्लिश बॉन्ड तो वही होता है, एक लेयर हमने स्ट्रेचर की लगा ली, एक लेयर हेडर की लगा ली. तो क्वेश्चन नंबर 107, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल इन ब्रिक लाइंग फॉर लिफ्टिंग एंड स्प्रेडिंग मोर्टार एंड फॉर फॉर्मिंग जॉइंट इज. ट्रोवल का इस्तेमाल मसाला उठाने के लिए. क्वेश्चन नंबर 108, एक्सपेंशन जॉइंट इन मेसनरी वॉल प्रोवाइडेड इन अ वॉल लेंथ ग्रेटर देन 40. तो 108 का हो जाएगा डी. 109, द टाइप ऑफ द बॉन्ड प्रोवाइडेड इन द ब्रिक मेसनरी फॉर कैरिंग हैवी लोड इज. हैवी लोड के लिए सही क्वेश्चन है. इंग्लिश बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है तो इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं. हेडर वन लेयर में, स्ट्रक्चर अनदर लेयर में, ईच कोर्स में तो डबल फ्लेमिश बोलते हैं. ए मोटार जॉइंट इन मैसनरी विच इज़ नॉर्मल टू फेस ऑफ द वॉल इज नोन एज. ए मोटार जॉइंट इन ए मैसनरी विच इज नॉर्मल टू फेस ऑफ द वॉल. क्रॉस क्रॉस जॉइंट नॉर्मल टू द फेस ऑफ द वॉल. अरे वॉल जैसे बनी है उसके परपेंडिकुलर में जो बनता है वो क्रॉस जॉइंट होता है, इसी की बात कर रहे हैं. स्लेंडरनेस रेशियो फॉर RSM में आया था, RSM JEE में, BTech वाली. स्लेंडरनेस रेशियो फॉर मैसनरी वॉल शुड नॉट बी मोर देन 10, 20, 30, 40. तो इसका आंसर हो जाएगा 10. 111 का ए इज द राइट आंसर. सॉरी 111 का कैसे गलत हो गया, बी 20 आएगा. 20 स्लेंडरनेस रेशियो फॉर मैसनरी वॉल शुड नॉट बी मोर देन 20. The proportion of lime and sand in the mortar normally used in the brick construction are 1:2. Number of vertical joint in a structure course in x direction, the number of joint in the header course where x is. अगर हमने कोई ब्रिक को हेडर की तरफ से लगाया, हेडर हेडर हेडर, ठीक है, मान लो तीन है और फिर अगर हम तीन को लगाते हैं, तीन उसको लगाएंगे, स्ट्रेचर स्ट्रेचर और स्ट्रेचर, तो मतलब वो सेम लंबाई में, ब्रिक की सेम लंबाई में कितने जॉइंट आएंगे स्ट्रेचर में और हेडर में, तो वो है हेडर में ज़्यादा आएंगे क्योंकि चौड़ाई कम होती है हेडर की, 10 ही वो होती है, 9 और वो होता है 19. तो जहाँ पर दो ब्रिक में एक जॉइंट आएगा, पूरी दो ब्रिक 19 × 9 और वहाँ पर 9 × 9, तो उसमें ज़्यादा जॉइंट आएंगे, तो फुल लेंथ में लगभग जो आता है हाफ एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो 1/2 हो जाएगी. रट लो कोई दिक्कत नहीं. क्वेश्चन नंबर 114, एज कंपेयर टू स्ट्रेचर कोर्स द थिकनेस ऑफ द जॉइंट इन हेडर कोर्स शुड बी. कंपेयर टू स्ट्रेचर कोर्स द थिकनेस ऑफ द जॉइंट इन हेडर कोर्स शुड बी. लेस कंपेयर टू स्ट्रेचर कोर्स
थिकनेस ऑफ द जॉइंट इन हेडर कोर्स शुड बी मोर होती है, वो लेस होती है, हेडर कोर्स लेस थिकनेस एज कंपेयर टू इंग्लिश बॉन्ड डबल फ्लेमिश बॉन्ड इज कॉस्टली, मोर कॉम्पैक्टेड इज स्ट्रोंगर, डी इज नन ऑफ द, क्योंकि इंग्लिश बॉन्ड स्ट्रोंगेस्ट तो महंगी भी बनेगी, कॉम्पैक्टेड तो वही होती है, स्ट्रोंगर भी इंग्लिश ही है, तो डी इज द राइट आंसर। सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ, अभी पीछे देखा था हमने सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड, फ्रंट में तो हम डबल फ्लेमिश बॉन्ड फेसिंग बनाते हैं और बैक में इंग्लिश बॉन्ड बैकिंग होती है। 116 का ए इज द राइट आंसर। द डिफरेंशियल सेटलमेंट, डिफरेंशियल में 25 और 40 याद रखें, डिफरेंशियल सेटलमेंट इन केस ऑफ द फाउंडेशन सैंडी सोइल के लिए, सैंडी के लिए कम होता है 25 हो जाएगा और क्ले होता है तो 40 हो जाता है, तो 117 का ए इज द राइट आंसर। इन केस ऑफ फाउंडेशन ऑन ए ब्लैक कॉटन सोइल द मोस्ट सुटेबल मेथड टू इंक्रीज द बेरिक कैपेसिटी ऑफ द सोइल इज टू, अच्छा रिप्लेसमेंट ऑफ पुअर सोइल, यही सबसे सही रहेगा, सोइल हटा दो तो बेरिंग कैपेसिटी इंप्रूव हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 119, द टाइप ऑफ फुटिंग विच इज यूज टू ट्रांसमिट द हैवी लोड थ्रू स्टील कॉलम, स्टील कॉलम के लिए हैवी लोड प्रोवाइड करना है, गिलेट फाउंडेशन, गिलेट फाउंडेशन ऐसी होती है एक ऐसे, और ये आई को ही हमने इस तरह से लगा दिया, ठीक है, इसको कहते हैं गिलेज फाउंडेशन, हैवी लोड के लिए इस्तेमाल करते हैं और स्टील के होते हैं ये। मैक्सिमम टोटल सेटलमेंट ऑफ फॉर आइसोलेटेड फाउंडेशन ऑन क्ले सोइल, क्ले के लिए ज़्यादा होता है, ठीक है, तो 65 120 का सी इज द राइट आंसर। द टाइप ऑफ द पाइल विच इज ड्राइवन एट द इंक्लिनेशन टू रेसिस्ट इंक्लाइंड फोर्सेस, ये क्वेश्चन अच्छा है, इंक्लाइंड टाइप ऑफ पाइल कौन सी लगाएंगे जब इंक्लाइंड लोड आ रहा हो, द टाइप ऑफ द पाइल विच इज ड्राइवन एट ए इंक्लिनेशन इंक्लाइंड रेसिस्टिंग फोर्स, तो हम तब लगाते हैं बैटर पाइल, 121 का हो जाएगा सी। मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इन क्ले सोइल इज 1 मीटर के बराबर होता है, तो 0.9 मीटर, 900 mm। द मैक्सिमम टोटल सेटलमेंट फॉर राफ्ट फाउंडेशन, राफ्ट में रेंजेस आते हैं, फाउंडेशन और क्ले के लिए ज़्यादा होता है, तो 65 से 100, 130 का डी। क्वेश्चन नंबर 24, द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ ए वाटर लॉग सोइल कैन बी इम्प्रूव बाय, बेरिंग कैपेसिटी बढ़ानी हो वाटर लॉग एरिया की, तो कॉम्पैक्टेड द सोइल, ड्रेनेज द सोइल, इंक्रीज द डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन, ग्राउटिंग, डेप्थ बढ़ाने से कुछ नहीं, ड्रेनेज द सोइल, पानी निकालने से ही होगा, तो बी इज द राइट आंसर। द टाइप ऑफ द फ्लोरिंग सुइटेबल फॉर यूज इन चर्चेस, थिएटर, पब्लिक लाइब्रेरीज एंड अदर प्लेसेस वेयर नॉइस लेस फ्लोर कवर, यहाँ से फ्लोर शुरू हो रहे हैं, कॉक फ्लोर का इस्तेमाल करते हैं, वॉइस प्रूफ, नॉइज लेस बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 126, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द स्प्रिंगिंग लाइन एंड हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द इनर कर्व ऑफ एन आर्च इज नोन एज, ये सही क्वेश्चन, अब आ गए आर्चिस के, वर्टिकल वो द टाइप, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द स्प्रिंग लाइन एंड द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द इनर कर्व ऑफ एन आर्च इज, तो वो हो जाएगा राइस, वर्टिकल डिस्टेंस जो होगी ना, स्प्रिंग लाइन बीच में होती है
मिल जाती है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये हो जाएगा राइज। डेप्थ और हाइट ऑफ द आर्च इज द परपेंडिकुलर वर्टिकल डिस्टेंस, देखते हैं हाइट और डेप्थ जिसको बोलते हैं, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है इंट्राडोज और एक्स्ट्राडोज के बीच की, उसको ही बोलते हैं हाइट और डेप्थ। और वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द स्प्रिंग लाइन एंड द हाईएस्ट पॉइंट वो राइज होता है। द ट्रायंगल स्पेस फॉर्म बिटवीन द एक्स्ट्राडोर एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन, जो ट्रायंगल बनता है आर्च, ठीक है, दी ट्रायंगल जो है ना, ट्रायंगल स्पेस फॉर्म बिटवीन द एक्स्ट्राडोज एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉन थ्रू एन ऑफ एन आर्च इज नोन एज स्पैंड्रिल। ये जो बनती है वो होता है स्पैंड्रिल बी। और इसी में ही अब एक आएगा क्वेश्चन, जो ये एक्स्ट्राडोज ये बाहर का होता है, इंट्राडोज अंदर का, ये अंदर वाला इंट्राडोज। द लिंटल आर प्रिफर टू आर्च बिकॉज, सारा है ठीक है, आर्च इज रिक्वायर मोर, आर्च इज रिक्वायर स्ट्रॉन्ग, आर्च आर डिफरेंट इन कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 130 था, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्चेस द सैंड बॉक्स मेथड इज यूज फॉर, सैंड बॉक्स को हम जैक मेथड भी बोलते हैं। तो इसका सेंटरिंग के लिए एक्चुअल लेइंग ऑफ द आर्च करते हैं, स्ट्राइकिंग मतलब सेंटरिंग के लिए करते हैं, पर निशान स्ट्राइक करने के लिए, स्ट्राइकिंग ऑफ सेंटरिंग ये मतलब है ना, और बाकी बाद में करेंगे, लंबी होगी वीडियो।